नमस्कार दोस्तों, नौकरी जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स, और यह करंट अफेयर्स होगा दोस्तों आपके अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक का। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह करंट अफेयर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में किस यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दोस्तों IISc बेंगलोर। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि MHRD द्वारा हर वर्ष NIRF रैंकिंग जारी किया जाता है, जिसमें भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं दोस्तों उन सभी को शामिल किया जाता है, उनको एक रैंक दिया जाता है। तो जितने भी भारत के शिक्षण संस्थान हैं दोस्तों उसके रिस्पेक्ट में यदि बात किया जाए तो NIRF रैंकिंग में इस वर्ष IISc बेंगलोर टॉप पे है। दूसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में किस इंजीनियरिंग कॉलेज को टॉप रैंक प्राप्त हुआ है? सही जवाब है दोस्तों IIT मद्रास। IIT मद्रास जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में टॉप रैंक पे है NIRF रैंकिंग 2018 के अनुसार, जबकि ओवरऑल का बात किया जाए दोस्तों तो आपका टॉप पे है IISc बेंगलोर। तीसरा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, BCCI चयन समिति में वेंकटेश प्रसाद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका चयन किया गया है? सही जवाब है दोस्तों आशीष कपूर। आशीष कपूर का चयन किया गया है BCCI चयन समिति में वेंकटेश प्रसाद के स्थान पे। चौथा प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस कंपनी के पेमेंट बैंक ने कामकाज आरंभ किया? सही जवाब है दोस्तों जियो कंपनी का जो पेमेंट बैंक है वह कामकाज शुरू कर दिया है। छठा प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर के रत्न भंडार को 34 साल बाद खोला जाएगा? सही जवाब है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है दोस्तों उसको 34 साल के बाद खोला जाएगा। छठा प्रश्न देखिएगा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी फिलहाल में अमित शाह हैं ने हाल ही में किस समुदाय को अलग धर्म का दर्जा नहीं देने की घोषणा की है? सही जवाब है दोस्तों अमित शाह ने घोषणा की है कि लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि कर्नाटक में अभी चुनाव होना है दोस्तों, और कर्नाटक का ही एक समुदाय है आपका लिंगायत समुदाय। लिंगायत समुदाय को कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है फिलहाल में उसने अलग धर्म का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन वह अलग धर्म तब तक अप्लीकेबल नहीं होगा जब तक भारत का संसद उस पर अपना मुहर नहीं लगाएगा। तो इस कारण से यहाँ पे बात अटक जाती है कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने आपका बोला है कि इस समुदाय को लिंगायत समुदाय को अलग धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत द्वारा उपहार में दिए गए 2 नेवी हेलीकॉप्टर्स में से एक वापस करने का फैसला किया है? सही जवाब है दोस्तों मालदीव। आठवां प्रश्न देखिएगा, चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन इस वर्ष जून में किस देश के लिए 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो जो चाइना है दोस्तों वह जो है आपका पाकिस्तान के लिए 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जून महीने में लॉन्च करेगा। नवा प्रश्न देखिएगा, गुजरात सरकार ने हाल ही में किसे वक्फ बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? सही जवाब है दोस्तों अहमद पटेल, जो कि आपके कांग्रेस के नेता हैं और यह जो है अभी फिलहाल में राज्यसभा के सांसद भी है। दसवां प्रश्न देखिएगा, तुर्की ने किस देश से मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने का सौदा पक्का किया? सही जवाब है दोस्तों रूस। तुर्की जो है रूस से जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदेगा। ग्यारहवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, भारत और किस देश के बीच पहली बार कंटेनर ट्रेन का परीक्षण शुरू हो गया? सही जवाब है दोस्तों बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार कंटेनर ट्रेन का परीक्षण शुरू हो गया। बारहवां प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप ने भारत में सौर उपकरण बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने को लेकर चीन की GCL कंपनी के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? सही जवाब है दोस्तों 6,047 करोड़। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक कीजिएगा।